साथियों नमस्कार, मैं राधे मेड़ा। साथियों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जो अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न भर्तियों के परिणामों का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही विभिन्न भर्तियों की जो परीक्षा हैं उनकी तय समय पर एग्जाम होगी या नहीं होगी, सूचना सहायक भर्ती हो, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती हो, तमाम अन्य जो भर्तियां हैं उनको लेकर लगातार अभ्यर्थी चिंतित है। तो राजस्थान की तमाम जो भर्तियां हैं, सूचना सहायक भर्ती है, उसकी परीक्षा भी तय समय पर होगी। आप निश्चिंत रहें, घबराएं नहीं, तैयारी करते रहें, लगातार टेस्ट सीरीज पर ध्यान ज़्यादा दें। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि तय समय पर ही आपकी अन्य जो परीक्षा है उनको भी करवाने को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लगातार प्रयास कर रहा है। तो साथियों तमाम जो राजस्थान के युवा बेरोजगार हैं उनको कभी घबराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लगातार हम आपके लिए हर समय हर भर्ती के लिए लगातार हम आपके लिए संघर्ष करेंगे, आपको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि तय समय पर आपकी परीक्षाएं होंगी, आप निश्चिंत रहें, घबराएं नहीं, तैयारी करते रहें। परंतु राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती है उसका जो फिजिकल का जो कार्यक्रम वो अभी पूरा नहीं हुआ, इसलिए इसका जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। आपने सुन लिया होगा कि राधे मीना जी बोल रहे हैं कि सभी एग्जाम टाइम पे होंगे। इसके अलावा मनोज मीना है, ये भी देखिए यहाँ पे ट्वीट करके इन्होंने जानकारी दी थी कि सूचना सहायक जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा तय समय पे होगी, सभी युवा साथी अपनी तैयारी को जारी रखें। तो आपके कृषि पर्यवेक्षक की भी जस्ट फरवरी में है और ये सूचना सहायक की है ये आपके जनवरी में है, तो आप अपनी प्रिपरेशन है वो जारी रखें। तो यदि आप अपनी प्रिपरेशन बंद कर चुके हैं तो प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट कर दीजिए। आपके कृषि पर्यवेक्षक का पेपर है 4 फरवरी को ही होगा। ऐसा नहीं बोल रहा कि आप अपने घर से कहीं दूर आके बाहर आके प्रिपरेशन स्टार्ट करो, आप जहां रहते हो वहीं से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बाकी और कोई भी अपडेट होगा तो हम आपको तुरंत दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।